आपका आज वीडियो में स्वागत है। तो आज वीडियो में देखने जा रहे हैं, इसका टाइटल है 24 आवर्स विद चीफ मिनिस्टर, एक दिन मुख्यमंत्री के साथ चैलेंज एक्सेप्टेड। तो चलिए देखते हैं वीडियो। से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को, उसके अलावा ब्लॉग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। गाइस, किसी भी राज्य के सबसे महत्वपूर्ण या फिर यू कह लो सबसे पावरफुल, सबसे जिम्मेदार या फिर सबसे अहम जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक पूरा दिन बिताने वाले हैं हरियाणा के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नायब सैनी सिंह जी के साथ में, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक मुख्यमंत्री जो होते हैं उनकी दिनचर्या कैसी होती है, इतना बड़ा जो राज्य होता है उसको चलाने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या संघर्ष मुख्यमंत्री जी को करने पड़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें सीएम हाउस जाना पड़ेगा, उसके बाद में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके का दिन रहता है। साथ साथ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा, यकीन मानिएगा बहुत मज़ा आने वाला है और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। चलो सीएम हाउस चलते हैं, जल्दी जल्दी आ जाओ। गाइज, वैसे तो सीएम हाउस के अंदर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी आम आदमी सीएम हाउस जा सकता है और सीएम सर से मिल सकता है, अपनी परेशानियां उन्हें बता सकता है, फिर सीएम सर उनकी सारी परेशानियां अच्छे से सुनते हैं सभी की और फिर अपने हिसाब से उनका उपाय करते हैं, उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। गाइज, ये पहुंच गए हम सीएम हाउस के अंदर। भैया, यहाँ तो बहुत खतरनाक सिक्योरिटी है चारों तरफ पुलिस ही पुलिस। चलो आपको इसका टूर देते हैं। गाइज, ये आ गए हम सीएम हाउस में। गाइज, यहाँ पे आम पब्लिक के लिए है और कुछ ही देर में वो भी आना स्टार्ट हो जाएगी। पहले चलते हैं उस साइड में, आ जाओ। तो गाइज, सामने की तरफ एक काफ़ी प्यारा सा पार्क है। तो गाइज यार, ये है सीएम हाउस जहाँ पे कि हमारे माननीय नायब सिंह सैनी जी रहते हैं, उनका निवास स्थान। ये रहा गाइस मीटिंग रूम, और रात को जो है सर काफ़ी लेट आए थे, बहुत सारा काम होता है ना भाई, तो अभी वो तैयार हो रहे हैं, बस सुबह जल्दी उठ जाते हैं भाई। अपना दिन 10 बजे शुरू होता है, उनका सुबह 6 बजे ही शुरू हो जाता है। भैया, हम तो 5:30 बजे उठ के आ गए थे यहाँ पे, तो फटाफट से जो है जैसे ही सीएम सर आते हैं उनका शेड्यूल देखते हैं और देखते हैं कि आज जो है हम क्या क्या करने वाले हैं, फिर आज की जो दिनचर्या है वो कैसी होने वाली है। गाइस, जब तक सीएम सर आते हैं तब तक मैं आपको मिलवाता हूँ एक और खास इंसान से। गाइस यार, ये है महिला एवं बाल विकास एंड परिवहन मंत्री असीम गोयल जी, ये रहे इधर। सर कैसे हैं आप? अरे सर, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, और धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। कमाल है, आज तो आपका भी शेड्यूल बहुत टाइट होने वाला है। आज सीएम साहब के लगभग 17 कार्यक्रम हैं। आज 17 है? सुबह अभी करनाल अभी निकलेंगे और पहला कार्यक्रम 9 बजे है और रात के 9 बजे तक आखिरी 12 घंटे के अंदर 17 होते हैं। आपकी भी आंखें बता रही है कि आप भी रात को लेट सोए थे। चुनावी समय है। अच्छा अच्छा, जितना जितनी नींद मिल जाए उतनी बहुत है। क्या बात है क्या बात है। तो मुझे पता है कि आपने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया है जी, फिर वो कब होगा, क्योंकि अभी तो अपन निकलने वाले हैं, भागा दौड़ी का पूरा दिन भागा दौड़ी का रहने वाला है। जैसे भागा दौड़ी में सीएम साहब करेंगे वैसे हम भी कर लेंगे। जी जरूर जरूर जरूर। सीएम साहब हमेशा टाइम को वो कहते हैं कि भाई खाने की बजाय काम के लिए ज्यादा टाइम दें, और वो बड़ा सादगी तरीके से आप देखेंगे, साफ रहेंगे अगर आपको महसूस होगा, बहुत सादगी तरीके से एक सरल व्यक्तित्व के नाते हर मुसीबत को बड़ी सरलता से और अपने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कल आप बता टेंशन को फेस करना। हाँ, कल आप बता रहे थे कि सर रात को लगभग 2 बजे तो सीएम हाउस आए थे, लगभग 1:30-2 बजे वो सीएम हाउस आए, और अभी फिर से तैयार हैं मीटिंग्स के लिए। मैं बैठी है अभी, उनसे भी मिलेंगे, जब तक एक भी आदमी यहाँ मिलने वाला हरियाणा के किसी कोने से आए उसको मिले बिना वो जाएंगे नहीं। रात को भी अगर कोई 12 बजे सीएम साहब यहाँ होने चाहिए, कोई 12 बजे भी अगर कोई मिलने वाला आया है तो 12 बजे उसको सीधा गेट से वापस नहीं भेजा जाएगा, उसको बिठाया जाएगा, सीएम साहब को इन्फॉर्म किया जाएगा, और सीएम साहब रात को 12 बजे भी उसको मिलते हैं। और हरियाणा के लोग भी पहली बार शायद ऐसा एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं
कि इतनी सरलता से और इतनी इजीली अप्रोचेबल कोई सीएम हो सकता है। ये लो यार सीएम सरकार का शेड्यूल। अरे बाप रे बाप, इतने सारे काम। गाइज यार सबसे पहले तो सर जो है लोगों से मिलेंगे और उसके बाद में इतनी सारी सभाएं, इतना सब कुछ कैसे होगा यार? अब सर तो थकते नहीं है, उनके साथ साथ कहीं मैं ना थक जाऊं, बस इस बात का डर है। तो बस थोड़ा सा वेट करते हैं, बस सर आने वाले हैं। सीएम सर आ चुके हैं, अभी देख। सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना समय दिया। वैसे तो आम आदमी की जो सीएम से पहुंच होती है वो जो दूरी होती है उसे आपने बिल्कुल लगभग ख़त्म ही कर दिया है, लेकिन हमारी भी कोशिश यही है कि हम भी हमारे चैनल के माध्यम से आम लोगों को सीधा आपसे जोड़ सके। मुझे पता है आपका शेड्यूल आज बहुत ज़्यादा टाइट है, इतने सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं जिनकी कि आपको शिकायतें सुननी है, लेकिन फिर भी अगर आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहे कि किस तरीके से आप इतना जो टाइम मैनेजमेंट है वो करते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा लोगों को। नहीं देखिए दिलराज जी, चुनाव का समय है। हाँ जी। और चुनाव के समय के कारण ज़्यादा व्यस्तताएँ रहती हैं, कार्यक्रम काफ़ी रहते हैं और उस बीच में लोगों की जो समस्याएँ हैं उनको भी सुनना होता है, और क्योंकि पब्लिक के लिए ही है जीवन। और हमने कहा है कि कोई इमरजेंसी हो, हमारा एक सेटअप है पूरा का पूरा, भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है और संगठन में हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, जिला के प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, अलग अलग स्थानों के ऊपर लोग अपनी बात को रखते हैं। अगर किसी को ये लगे कि भाई मेरी बात कहीं ठीक नहीं सुनी जा रही या पहुँच नहीं पा रही है, तो हमने इस बात को लेकर के भी लोगों को हम ये बोलते हैं कि आपके लिए हम 24 घंटे अवेलेबल हैं, कोई इमरजेंसी हो तो हम आप जब मर्जी आइए, हम आपकी बात को सुनेंगे और बात को सुनते भी हैं। जब कोई व्यक्ति आता है उस बात को सुनते हैं और लोगों में इस बात का संतोष भी है, क्योंकि जब जीवन ही पब्लिक के लिए है जी बिल्कुल। तो आज हम देखते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार ने, मनोहर लाल जी ने ज़बरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मोदी जी ने किए और उसका लाभ भी मिल रहा है। मैं तो ये भी देखता हूँ कि गुड गवर्नेंस अगर कहीं देखनी हो देश के अंदर तो हरियाणा के अंदर है। ऐसी ऐसी योजनाएं बना करके लोगों को लाभ दिया जा रहा है जिससे कि डायरेक्ट घर बैठे ही उनको न्याय मिलता है। सीए विंडो है, उसको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, या जो व्यक्ति पीड़ित है और उसने सीए विंडो के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराई तो उसको निर्णय घर बैठे ही मिलता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार का ये सारा सिस्टम है, इस सिस्टम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो गाइज अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा बिजी है सर का, अभी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, तो फटाफट से नाश्ता करते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइज आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं फरियादी वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं और अब सर सबसे मिलेंगे और सबकी परेशानियाँ सुनेंगे और उनका हल निकालेंगे। मुख्यमंत्री जी का जो काफिला वो तो इतना तेज जाता है कि भाई हम तो ट्रैफिक में फंस गए, फिर फाइनली हमारे लिए कमांडोज की गाड़ी वापस भेजी गई, तो अब ये हमें जो है पायलटिंग करेगी ताकि हम भी आगे नेक्स्ट लोकेशन पे टाइम से पहुंच पाए। भैया यार वो तो रॉकेट की तरह जाती है। उतर 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 Hello।
पहली सभा है, इसके बाद में अभी भी 16 सभाएं बाकी है। गाइस देख के बड़ा अच्छा लगता है कि अभी भी जो है ऐसी सभाएं होती है जिनमें हमारे जो वीर हैं महाराणा प्रताप जी और भी बहुत सारे लोग, उनको याद किया जाता है और सभी को बताया जाता है उनकी वीर गाथाओं के बारे में। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब देख के। लेकिन अभी पहले चलते हैं क्योंकि अभी सीएम सर यहाँ से फ्री होती है, मतलब जल्दी निकलना पड़ेगा वरना अपन फिर से पीछे रह जाएंगे। तो अपन पहले गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, तैयार रहते हैं। गाइस ये थी दूसरी सभा। गाइस यहाँ पे भी एक सभा है, यहाँ पे भी सीएम साहब लोगों को संबोधित करेंगे। गाइस मैंने एक चीज नोटिस की, यहाँ पे जैमर लगे होते तो हमारे जो माइक्रोफोन है ना वो काम करना ही बंद कर दिए थे। जैमर? हाँ जैमर लगे होते हैं ना भाई, सीएम सिक्योरिटी के अंदर जैमर्स लगे होते हैं रेडियो सिग्नल्स को ब्लॉक करने के लिए। गाइस यहाँ पे भी हो गया, अगली लोकेशन पे चलते हैं। गाइस काफी बारी गलियों में पैदल भी जाना पड़ता है, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आती है तो सब पैदल ही जा रहे हैं भैया, तो ये भी होता है। ये बारहवीं है, बारहवीं सभा। गाइस सबने तो दर्शन कर लिए, मैंने तो किए ही नहीं, मैंने कर ही नहीं। सर सुबह से देख रहा हूँ, अभी तक आपने खाना भी नहीं खाया है। इलेक्शन के अंदर ये सारा का सारा चलता है। तो फिर खाना कब खाएंगे आप, तो मुझे ये बताइए। खाना जितना समय मिलता है उस बीच में खाना ले लेते हैं थोड़ा। अच्छा आप साथ ही लाए हैं? ये खाना टिफिन में मैं रखता हूँ। अरे वाह, रास्ते में ही जितना समय लगता है उसको भोजन कर लेते हैं। गाइस कितनी कमाल की बात है कि सर सुबह 6 बजे उठे थे और सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं, सुबह जनसभा की, उसके बाद में इतनी सारी सभाएं की और फाइनली अभी खाना भी गाड़ी के अंदर ही खा रहे हैं, ये देखिए आपके सामने। तो सर आपका पसंदीदा भोजन? मैं ये खिचड़ी खाता हूँ। अरे वाह क्या बात है सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर इतने भागदौड़ भरे शेड्यूल के अंदर अपने आप को स्वस्थ और फिट रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं? ये अभी तो ऐसे में योगा भी करता हूँ। अरे वाह, परंतु अभी इलेक्शन के समय के अंदर समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, योगा भी अभी बंद है। और अभी तो क्योंकि इलेक्शन की बड़ी भाग दौड़ उसके अंदर है, और उसके बाद तो जब रूटीन बनेगा तो फिर योगा भी करते हैं। योगा के साथ साथ पूरा दिन का शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अंदर काम करते हैं। आज इतना लगातार जो काम चल रहे हैं पब्लिक के, सुबह से ही आप लोग देख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, सुबह 6 बजे से लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं। अच्छा मोदी जी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को तो आम बहुत पसंद है, क्या आप भी आम खाते हैं? आम पसंदीदा फल तो ये सभी का ही है। जी आम जी, परंतु शरीर में कई बार दिक्कत होने के नाते उसको मैं थोड़ा कम खाता हूँ। जी चम्मच भी पड़ा है ना। क्या बात है सर, छोटा चम्मच नहीं था सर। सबको लगता है कि सीएम जी तो बड़े मतलब बहुत, अब देखिए आम आदमी आम तरीके सारी चीजें बिल्कुल रूट से जुड़ी हुई। कौन सा मूवी का सीन याद आ रहा है इस दौरान से।
गाइस यहाँ पे भी एक सभा चल रही है, देखो जो भी काम आप मेरे ध्यान में लगाएंगे या जो काम मेरे ध्यान में आएगा उसको मैं प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करने का कार्य मैं करूँगा। जिम्मेदारी यही है, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के, भारत माता के, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गाइस इतनी सारी सभाएं और इतनी सारी अलग अलग स्पीचें पता नहीं कैसे याद रह जाती है सर को, मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता, मैं तो कंफ्यूज होता हूँ इधर की स्पीच उधर बोल दूंगा उधर की इधर बोल दूंगा, ये भी अपने आप में टैलेंट है। सर हरियाणा के अंदर से भी हमारे बहुत सारे दर्शक हैं और हमारे राजस्थान में एक जो डायलॉग है वो बड़ा फेमस है, बोले कि जी डबल इंजन की सरकार है जी, भारत का विकास दोगुनी तेजी से करेंगे। आप अपने शब्दों में बताइए कि ये जो डबल इंजन है इसका सही में अर्थ क्या है या फिर क्यों डबल इंजन की सरकार आप बोलते हैं? नहीं देखिए, डबल इंजन की सरकार इसलिए बोलते हैं, एक हमारे हरियाणा की कहावत है जी, कहावत है और वो हमारी संस्कारों में हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है और बुजुर्गों जब वो शब्द बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसका निचोड़ निकाल करके उसका तंत्र निकाल करके वो शब्द बोला है कि 100 रुपया लिया 125 रुपया दिया जी, ये हमारी संस्कृति में है, संस्कारों में है। तो ये डबल इंजन सरकार के ऊपर फिट बैठता है जी। मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं और प्रदेश सरकार 125 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करती है, ये इसका बड़ा महत्व है। बाकी सर मैं ज़्यादा राजनीति में तो एक्टिव नहीं हूँ लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मैं किसी को वोट दूंगा तो मैं उसी सरकार को देना पसंद करूंगा जो कि अहम फैसले लेने में सक्षम हो, कोई भी अगर बड़ा फैसला लेना हो देश के हित में जनता के हित में तो सरकार निडर होके उस फैसले को ले सके। बहुत बड़े बड़े फैसले निर्भीक होकर के जिसका विरोध भी विपक्ष के द्वारा किया गया, चाहे वो धारा 370 थी, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला था जी, चाहे वो CAA का था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जी जी जी, लगातार विपक्ष उसका कड़ा विरोध किया, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने देश हित के अंदर फैसले लिए और उन फैसलों का लाभ आज मुस्लिम बहनों को मिल रहा है। 370 धारा समाप्त हुई है, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बड़ा लाभ उसका मिल रहा है और आदरणीय मोदी जी ने ये मजबूती से खड़े होकर के ये निर्णय लिए हैं, कड़ाई से निर्णय लिए, उसका लाभ मिला है। चाहे भगवान श्री राम के मंदिर की बात हो, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया उस मंदिर को बनाने की बात हो, ये निर्णय लेने वाली कठोर निर्णय लेने वाली ये सरकार है ताकि देश के लोग आज सुरक्षा महसूस कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज यही परिणाम है कि लोग नरेंद्र मोदी जी से प्यार करते हैं और नरेंद्र मोदी जी को एक बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम वो करेंगे। गाइस बुलेट प्रूफ गाड़ी का जो गेट होता है बहुत भारी होता है यार, खुल ही नहीं रहा था, बताओ मैं खोले जा रहा हूँ फिर बाद पता पड़ा यार बुलेट प्रूफ गेट है, इसको जोर से खोलना पड़ता है। तो गाइस नेक्स्ट सभा में आ गए, अभी सीएम सर यहाँ पे जो है लोगों को संबोधित करेंगे उसके बाद में आगे जाएंगे, तो कुछ इस तरीके का शेड्यूल है। बाकी गाइस ये जो चीज़ है ना, ये गाड़ी है, ये हमारे माइक्स को जैम कर रही है यार, ये माइक्स जो है ना ये काम नहीं करते हैं यहाँ पे, ये एक साइंटिफिक फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ। इवन जो जैसे हमारी फॉर्च्यूनर वहाँ खड़ी है उसकी की काम नहीं करेगी ठीक है, और ये माइक काम नहीं करेगा, हमारे फ़ोन के अंदर नेटवर्क्स काम नहीं करते क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना बड़े बड़े ये जैमर्स होते हैं जो कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी की रेडियो वेव्स निकालते हैं और बहुत सारी चीज़ों को ब्लॉक करते हैं। देखा मैंने तो यहाँ पे भी साइंस घुसोड़ दी। तो असीम जी के पास मैं जब भी आता हूँ ये स्टिकर सर ये टैग मैं हमेशा देखता हूँ, आप चाहे वो सुबह का टाइम हो शाम का टाइम दिन का टाइम, इसका मतलब आप मुझे समझाइए। देश के जननायक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को एक मुझे लगता है इस भारत का सबसे बड़ा सामाजिक आंदोलन चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैंने जब ही से इस बैज को अपने जो है कपड़ों के ऊपर इसको मैं लगा के रखता हूँ, एक अपने जीवन से मैंने जुड़ा है, राजनीति के अलावा एक सामाजिक विचार से आपको जुड़ना चाहिए और मुझे लगता है कि मेरे इस बैज लगा के रखने से कोई जागरूकता आने से अगर एक भी कन्या की भ्रूण हत्या को मैं बचा पाया तो मैं समझूंगा कि मेरा बैज लगाना सफल है और मेरा सौभाग्य है मुझे सरकार में भी
यही डिपार्टमेंट मिला है। अरे मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत जो है धन्यवाद कर। अच्छा, मेरा एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हरियाणा सरकार से एक रिक्वेस्ट है, मुझे लगाने हैं जी बहुत सारे पेड़। जब आप ये चुनाव वगैरह से फ्री हो जाओ, मैं आता हूँ पर्सनली आप लोगों के पास में प्रपोजल लेके, और मुझे बहुत बहुत सारे पेड़ लगाने। बिल्कुल, आप बहुत 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 सारे पेड़ लगाइए और इस धरती माँ को हरा भरा करने में हम आपके साथ। गाइस, ये लगभग कौन सी 15वीं या 16वीं सभा चल रही है ना, है ना 15 या 16वीं। वो हिंदी में करता हूँ, जल्दी करो। चलो, भारत माता के, भारत माता की जय, भारत माता की। चलो चलो चलो, एक बार और, भारत माता की। चलो चलो, बाय बाय गाइस। ये तो लेट हो रहे थे वरना बच्चों के साथ और मिलते। मैं सो के उठाऊं और भैया को नींद आ रखी है। गाइस, ये आई थिंक 16वीं सभा है। गाइस, मुझे ये दो प्यारे से क्यूट से बच्चे मिले हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे? मुख्यमंत्री जी आए हैं। कौन है मुख्यमंत्री जी? अरे वाह यार, बच्चे बच्चे को पता है। अरे वाह वाह, बढ़िया बढ़िया है। जैसे कि आपका पसंदीदा खेल? देखिए, खेल तो गांव के जो खेल चलते थे हम वही खेल खेलते रहते थे। अच्छा, तो समय नहीं लगता, चाहे वो कबड्डी का है। अरे वाह, कई बार चाहे ये क्रिकेट का कोई, कभी बढ़िया यूथ के अंदर जाकर के खेल लेते थे। आप किसान बैकग्राउंड से आते हैं, किसान खेती वगैरह, तो अभी भी क्या आप उन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं या फिर अब? मैं जुड़ा हुआ हूँ अभी भी। अच्छा, मैं बिल्कुल, मैंने स्वयं अपने हाथ से खेती की है, क्योंकि हम छोटे किसान हैं, कोई बड़े किसान तो है नहीं है। जी जी। बाकी गाइस देखो, बात करते करते ही अगली सभा के पास में भी आ गए, तो ऐसा होता है सीएम सर का बिजी शेड्यूल। मुझे पता है कि बाद में तो टाइम नहीं मिलेगा सीएम सर के साथ में, मैं एक सेल्फी अभी ले लेता हूँ। गाइस, सर तो अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको असली मुख्यमंत्री जी से मिला दिया जाए। तो गाइस यार, इनसे मिलिए। खैर, मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, आप लोग वैसे भी जानते हैं, लेकिन ये थोड़ा पब्लिक इनकी अपीयरेंस थोड़ी सी कम है, तो मैं आपको बता दूं, ये है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी, सुमन सैनी जी। तो मैम, मुझे आप एक बात बताइए, सीएम सर सुबह से काम में लगे हुए हैं, वो खाना भी गाड़ी में चलते चलते ही खा रहे थे, तो आप उनको डांटते नहीं, कुछ बोलते नहीं कि भैया थोड़ा सा टाइम हमारे लिए भी निकाल लिया करो, थोड़ा घर का खाना भी खा लिया करो, ऐसा होता है कभी? समाज में जो पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, हाँ, तो उस जिम्मेवारी को तो निभाना पड़ेगा। ये बात, और एक विश्वास कहीं ना कहीं पार्टी का जुड़ा हुआ है और लोगों की आस्था जुड़ी है, तो उस आस्था को निभाना है तो फिर मजबूत तो होना पड़ेगा। सर ने तो मुझे बताया नहीं, सर से मैंने पूछा कि आपको खाने में क्या पसंद है, उन्होंने तो जी कहा कि मुझे तो खिचड़ी पसंद है, आपको खाने में क्या पसंद है और बनाने में क्या पसंद है? सीएम साहब को पीली दाल बड़ी पसंद है। अच्छा, पीली, ये नई नई चीज जानने को मिली है गाइस। पीली दाल फुल्का बहुत फेवरेट है उनका, और खिचड़ी तो है ही। मैं तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करूंगी कि एक छोटे से कार्यकर्ता को कहां से उठा के कहां बिठा दिया, ये बहुत बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को है कि जो लगन से मेहनत से काम करेगा वो सक्सेसफुल अवश्य ही। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा गाइस, ये देखो अभी मैम खाना ही खा रहे थे, ये देखो ये रखा हुआ है खाना, कोई ज़्यादा बहुत हाई प्रोफाइल लाइफ नहीं है, मैं तो मैंने दिखाना नहीं चाहता, मैंने कहा देख ही लो, ये देखो ये खाना रखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ खाने के लिए रखा हुआ है, तो जैसे ही टाइम मिलता है उसी तरीके से जैसे सर के हाल है वैसे ही मैम का भी है, तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर। गाइस फाइनली रात हो गई है, अब आप देख सकते हैं और अभी भी जो चीजें हैं वो चल रही है। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं देश को बचाया जाए और इस देश के लिए
इतने विनम्र इंसान है कि हमने आज तक नहीं देखा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आश्वासन दिलाता हूँ, यार सिक्योरिटी वालों का भी साथ है बड़ा। भाई अब आज तो नया दिन शुरू हो गया बिल्कुल फ्रेश, तो गुड मॉर्निंग। अब मुझे नहीं पता आज, अब का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। अब मैं तो बैठ रहा हूँ अपनी गाड़ी के अंदर, और बाकी का यार जैसा भी आगे रहेगा। है भाई, है भाई, एक लटक गया अपन ड्राइवर। गाइस लटक गए हमारे तो यहाँ पे, ये तो फोन चला रहे इतनी रात को भी। गाड़ी चला चला के थक गए, और क्या करेंगे बेचारे। अभी भी नहीं जा रहे गाइस, टाइम देख लो, 1 बज गई है और फाइनली हम सीएम हाउस जा रहे हैं। जी हाँ, तो सीएम हाउस जा रहे हैं, उसके बाद में देखते हैं कि वहाँ पे फरियादी होंगे तो मे भी सीएम सर उनसे मुलाकात करेंगे, और नहीं होंगे तो फिर गुड नाइट। वैसे तो आज हमने काफी अच्छा समय स्पेंड किया माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी नई चीजें हमने देखी, आपको भी दिखाई, और बहुत सारी चीजें हमने सीखी भी कि किस तरीके से जो है टाइम को मैनेज किया जाता है, या फिर जो चीफ मिनिस्टर जी होते हैं उनका जो शेड्यूल होता है कितना ज्यादा टाइट और कितना ज्यादा हैक्टिक होता है। गाइस ये पहुंच गए हम फाइनली सीएम हाउस, फिर से टाइम हो रहा है 2:16। तो गाइस फाइनली फिर से आ गए सीएम हाउस। वैसे तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में 1 दिन बिताने वाले थे, लेकिन 1 दिन से ज़्यादा हो गया क्योंकि पूरा दिन भी खत्म हो गया, ये तो अगला दिन है। तो मैं आपसे कहूँगा गुड मॉर्निंग। बाकी सर मैं आपसे दिल से ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो मेहनत है मैं उसका फ़ैन हो गया पर्सनली। साथ ही साथ जब आप जनता को संबोधित कर रहे थे अंदर, मैं बाहर लोगों से मिल रहा था और लोग आपकी जेन्युइनली खुद से ही अच्छे से तारीफ़ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे जो सीएम है उन्होंने कैमरा देखा, और वो बताते हैं खुद कि हमारे सीएम जो है कितने सादगी भरे हैं और कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारी वीडियो के माध्यम से लोग भी ये चीज़ देख पाएंगे कि किस तरीके से आप सुबह 6 बजे उठे थे, और अभी जो है अगला दिन है और अभी भी सर ने हमें टाइम दिया, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जाते जाते अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें, कुछ अपनी तरफ से संदेश देना चाहें, तो मुझे भी खुशी होगी, साथ ही साथ हमारे दर्शकों को भी होगी। थैंक यू, सभी को बधाई है, और नरेंद्र मोदी जी को 3री बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, और इसलिए क्योंकि आज उनके नेतृत्व में देश ने जिस गति से करवट ली है, देश आगे बढ़ा है, देश की समस्याओं का समाधान हुआ है, और देश ने विकास में एक गति देखने को मिली है, और दुनिया में भारत ने एक स्थान बनाया है, इन सब बातों को, देश की जो समस्याएं थी उनका समाधान हुआ है, और बहुत कम समय के अंदर 10 वर्षों में, जहां एक तरफ 55-60 साल का समय मिला हो और जहां एक 10 वर्ष का समय मिला हो, इस 10 वर्ष के समय में दुनिया में भारत एक उभरती हुई ताकत के रूप में विश्व में सामने आया है। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि हम सब मिलकर के मजबूती से नरेंद्र मोदी जी को 3री बार इस देश की प्रधान सेवक के रूप में बैठाने का काम करें, ताकि जो संकल्प लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि हमने विकसित राष्ट्र 2047 तक इस भारत को बनाना है, हम सब का उसमें योगदान रहे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस लोकतंत्र के पर्व में हम सब वोट जरूर पोल करें, इस राष्ट्र के हित में,
इस देश की मजबूती में अपना वोट अवश्य हम घर से बाहर निकल करके जरूर बूथ के ऊपर पोल करने के लिए जाएं, ताकि लोकतंत्र का पर्व हम मिलकर के मनाएं और देश विकास की ऊंचाइयों को छुए। बिल्कुल सर, तो आज आप मेरे साथ में सर के साथ में एक संकल्प लेंगे कि आपको वोट जरूर करना है। बाकी मैं सर का ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा थके हुए हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। धन्यवाद सर, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जोड़ लेंगे। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं। भाई चीफ मिनिस्टर हो या स्टेट की कोई भी बड़ी पर्सनैलिटी होना, तो मेरा ख्याल है कि भाई टाइम गुजारना जो है ना काफ़ी दिक्कत भरा जो है वो होता है, क्योंकि लाजमी बात है भाई उनकी रूटीन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक रहती है। और इंडिया में जैसे इलेक्शन का जो है वो टाइम चल रहा है, तो उन्होंने ऐसे टाइम में जो है ना मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, और इससे पहले हम लोगों ने नितिन गडकरी सर का इस तरह से एक इंटरव्यू देखा था, फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे जी का इंटरव्यू देखा था, जिसमें सारा टाइम जो है वो गुजारा गया कि किस तरीके से वो 24 घंटे या जितना भी उनका एक समय होता है वो गुजारते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो पॉलिटिशियन काम करते हैं, एक्चुअली में काम करते हैं, उनके लिए टाइम जो है वो बहुत एक वैल्यू रखता है और वो काम करते हुए नज़र आते हैं। बट मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी बीच में, जैसे मतलब उनकी धर्मपत्नी ने बताया कि वो एक आम इंसान थे, एक आम कार्यकर्ता थे पार्टी के, जिनको मतलब एक परफॉर्मेंस बेस पर जो है वो ऊपर लेकर आया। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी बात होती है कि पार्टी में आप परफॉर्मेंस की बेस पर जब कैंडिडेट्स को ऊपर लेकर आते हो तो वो एक्चुअली में काम करना प्रेफर करते हैं, रादर देन आप यू नो एक कह लो कि अगर बाप बादशाह है तो जो उसका बेटा है वो भी आगे से फिर वो इसी तरीके से राजा के बेटा राजा बनेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर इसी तरीके की हम लोग एक राजनीति देखते आए हैं, तो मुझे ये लगता है कि ये बल्कि अच्छी बात है, इससे बहुत ज्यादा जो टैलेंटेड लोग हैं वो ऊपर उभर कर आते हैं। वैसे तो भाई सीएम के काफिले में काफी ज्यादा आपको जो है वो गाड़ियां जो है वो देखने को मुझे एक्चुअली में इस वाले में देखने को ज्यादा मिली। इससे पहले जब हम लोगों ने एकनाथ शिंदे जी का देखा था काफिला, उसमें इतनी ज्यादा नहीं थी। अच्छा, वैसे वीडियो देखते देखते मेरे ध्यान में एक चीज है, क्योंकि अगर बात की पंजाब और हरियाणा जो है उसका कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ है, तो ये खाली हरियाणा के सीएम है कि पंजाब के भी सीएम यही होंगे? मुझे नहीं पता भाई, मुझे ना मुझे सच में काफी सारी चीजें जो है वो नहीं, ये लिटरली मुझे भी नहीं पता कि भाई दोनों स्टेट के जो है वो सीएम एक ही रहते हैं कि अलग अलग रहते हैं, क्योंकि कैपिटल तो एक ही है दोनों का चंडीगढ़। लेकिन वैसे होता तो हर स्टेट का डिफरेंट है ना, लेकिन अब हमारे व्यूअर्स जो हैं वो हमें जरूर बताएंगे कि भाई जो मुअज्जम ने क्वेश्चन पूछा है। बाकी काफिले को देखकर सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी मूवी को देख रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा काफला था। अच्छा, वैसे जो है ना सासा जो है ना जो मिस्टर इंडियन हैकर हैं भाई, उनकी भी हिम्मत है कि भाई उन्होंने जो है सुबह 5 बजे वो जो है वो अपने घर से निकले, और 5:30 बजे इनके 5 बजे आप लगा लें, फिर उसके बाद जो है रात को तकरीबन 2:30, यानी कि लगातार जो है ना इतनी देर तक जो है वो साथ साथ घूमना फिरना, भाई बंदा वाकई जो है वो थक जाता है। जो अगर देखा जाए ना तो आम रूटीन में बंदा जो है ना 3 से 4 जगहों पे चला जाए ना एक दिन में, बंदे का जिसे टूटने वाला हो जाता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। और ये अमूमन अपने शहर में जो है ना ये चीज आपके लिए नॉर्मल होती है, आप जैसे दूसरे मुल्कों में जाए, दूसरे शहरों में जाए, वहां पे आपको पता था कि भाई हमारे पास कम टाइम है, हमने घूमना ही घूमना है, लेकिन फिर भी यार काफी ज्यादा मुश्किल रहता है ये चीज़। बिल्कुल, और मौसम से क्या रहा था, सुबह 5 बजे वो निकले थे। और मैं ये बात बोलूंगी कि एक और चीज ये है कि जो साथ वाला बंदा होता है ना, मुझे लगता है वो ज्यादा थकता है, क्योंकि जिन लोगों ने काम करना होता है उनको तो पता होता है कि हमारा काम आज का ये सारी चीजें, तो उस लिहाज से लेकर। बाकी मैं कहूँगी कि आजकल के टाइम में जिस तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर हम लोग पॉलिटिकल कैंपेन्स में देखें तो मतलब मुझे लग रहा है कि ये एक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हम लोगों को लास्ट ईयर से 2023 से जो है वो देखने को मिल रहा है कि आपको पॉलिटिशियंस के पॉडकास्ट सुनने को मिल रहे हैं, या फूड का कोई व्लॉग जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये अब एक चीज़ ऐसी हो गई हुई कि बड़े अच्छे से कोलैब करके आप इसको डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जो है सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल, और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो है भाई साथ जो सिक्योरिटी होती है और पूरे जो काफले को जो ड्राइव कर रहे होते हैं भाई, उन लोगों की भी भाई हिम्मत है कि वो जो है बिल्कुल एक अच्छी खासी भाई ड्यूटी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो काफले होते हैं वो एक स्पेसिफिक स्पीड पर आपको गुजरते हुए जो वो नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी मौजम की, अभी जैसे मतलब सुबह से लेकर रात तक, हाँ हाँ ठीक है,
सारी सिक्योरिटी और जितने भी ड्राइवर्स वगैरह वो एक ही मतलब सारे रहते होंगे। ये भी आप ही बताइए, मुझे वैसे लगता है बीच में शायद शिफ्ट चेंज हो जाती हो। मैं भी बात सोच रही हूँ कि वाकई में बंदा थक जाता है बिल्कुल। तो आप जरूर बताइएगा कि भाई सेम ही रहते चेंज हो जाते हैं। हाँ भाई, हमारे जहन में काफी सारे सवाल घूम रहे हैं यार। बाकी आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। इसी के साथ गुड बाय।